अभी शाम के बज रहे हैं 4 और हम लोग घर से निकल पड़े हैं, और आज हम लोग कार से नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं बैटरी वाले रिक्शा से मेट्रो रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेट्रो से हम लोग जाने वाले हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो कार का नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि मौका मिला हमें थोड़ा ट्रैवल करने का फ्री होके, तो हम लोग इसे ट्रैवल कर रहे हैं। पीछे बैठी हुई है ये और मैं आगे बैठा हूँ, यहाँ से मेट्रो स्टेशन की जर्नी ड्राइव कर रहा हूँ और सामने देखिए ये। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन, यहाँ से हम लोग मेट्रो लेंगे और न्यू दिल्ली रेलवे, पहले कश्मीर गेट फिर वहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर रेलवे स्टेशन उतरते हैं, फिर रेलवे स्टेशन की टूर कराते हैं आप लोगों को आज। yes. वो इसलिए कराते हैं तो बात को समझिए, बात समझना पड़ेगा आप लोगों को। हमारे जो लोग हैं ठीक है, जितने भी ड्राइवर्स के थे, बाबू का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है अभी, हम भी और आप ही संतुष्ट हैं। और एक्चुअली पहाड़गंज में हमें कुछ काम आ गया था, तो चलो हमें तुरंत कंटेंट दिखा, चलो न्यू दिल्ली रेलवे, क्योंकि लास्ट जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाया था आप लोगों ने, अच्छा प्यार किया था उसे, तो उससे चलो एक अपडेट वीडियो बना देते हैं। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन पे, वेलकम बैक टू एम एल लाइफ। अपना जेब पेट्रोला तो हमें मेट्रो कार्ड मिल गया, इसे बैलेंस भी है, हम लोग अब इसी का यूज़ करने वाले हैं। हम लोग जैसे ही ऊपर पहुंचे, मेट्रो लगी हुई थी, हम लोग बैठ चुके हैं मेट्रो में, अब यहाँ से पहुंचेंगे हम लोग कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से फिर वहाँ से न्यू दिल्ली दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया, टाइम इतना बढ़िया है कि बिल्कुल खाली है, और बहुत मजा आ रहा है, तो बिल्कुल उधर लौटेंगे तो फिर रहेगा, पूरी ट्रेन खाली है, कहीं इसमें मेट्रो में कोई बहुत कम लोग है, मतलब लोग तो है नहीं, बहुत कम है। तो हम लोग गेट नंबर 3 से निकले, तो कमला मार्केट की तरफ निकले, तो यहाँ से पैदल जाकर अजमेरी गेट जा सकते हैं, लेकिन गेट नंबर 1 से निकलेगा तो बिल्कुल आप अजमेरी गेट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर निकलिएगा। बोर्ड लगा हुआ है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के लिए, एंट्री के लिए 2, 4, 5, 6 गेट नंबर यूज कर रहे हैं, और यहाँ से एग्जिट हो रहा है 1 नंबर गेट। ये हम लोग उधर से निकले थे, पीछे कमला मार्केट वाले से, और अभी यहाँ ये 1 नंबर गेट, बस यहीं से निकलेंगे तो आपको सीधा सामने आपको अजमेरी गेट, ये रेलवे स्टेशन अगर कार से आते हैं तो यहीं पे पार्किंग है, ये नॉर्मल पार्किंग, उधर वीआईपी पार्किंग है, और ये सीधा जाती है मल्टी लेवल पार्किंग में। हाँ, ये वाला जो रास्ता है फुटओवर बना हुआ है, और नए लोगों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, क्योंकि लोग यहाँ पे अजमेरी गेट और पहाड़गंज नाम लेते हैं, तो स्टेशन के 2 साइड होते ही हैं, एक एक नंबर का एक जो मैक्सिमम नंबर होता है, ऐसे यहाँ का 16 नंबर है, नेचुरली लोग एक नंबर की तरफ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है वो भी 16 नंबर की तरफ है, जो कि है अजमेरी गेट, अजमेरी गेट साइड, और जो पहाड़गंज साइड है, जो मार्केट का साइड है, पहाड़गंज 1 नंबर है, मगर सुविधाएं आपको दोनों तरफ मिलेगी, दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल है, 16 नंबर यानी अजमेरी गेट की तरफ थोड़ा ज्यादा सुविधा मिलेगी, अच्छा भी लगेगा आपको निकल, यहाँ खाली खाली से लगता है पहाड़गंज, दिल्ली स्टेशन से उतरे ये अजमेरी गेट साइड है, और पहाड़गंज साइड में क्या है, मार्केट है, होटल वोटल आपको उधर ही मिलेंगे पहाड़गंज साइड में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं टिकट काउंटर पर, यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है, और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे नॉर्मल ट्रेन की टिकट मिलती है, तो 10-10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट मुझे मिल गया है, और मैंने 2 टिकट ले लिया है, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, पहाड़गंज साइड जाना हो तो बिना प्लेटफॉर्म क्रॉस किए हुए इधर से भी आप जा सकते हैं, तो बाहर के रोड से, लेकिन आपको वहीं फिर ऑटो ऑटो कुछ करना पड़ेगा। और ये ट्रेन जा रही है मुंबई, दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी, और हम लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घूम रहे हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन का टूर कर रहे हैं, आप लोग का भी टूर जा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आते हैं सामान लेके ना घूमने में बड़ा मजा नहीं आता है, टेंट वोट वगैरह फ्री फ्री घूमने में मस्त, बहुत मजा आ रहा है, लगेज नहीं है इसलिए, और 16 नंबर से 1 नंबर में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमें काम तो पहाड़गंज में है, फिर मेट्रो से आए तो हमें उधर अजमेरी गेट की साइड उतरना पड़ा, तो अब इसको क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं पहाड़गंज साइड में, और पहाड़गंज साइड का भी दिखा देंगे हम लोग वहाँ भाड़ा क्या नजारा है। चलिए,
तो हम लोग इससे बाहर आ चुके हैं और पहाड़ों की तरफ बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर धूप बहुत तेज है, आंखों से धूप लग रहा है और निकलना बाहर हमें। और हम लोग आ चुके हैं ये पहाड़ों के साइड। हमने अभी इधर से हम लोग उतरे हैं, वैसे प्लेटफॉर्म से भी उतर के बाहर निकल सकते हैं इस जगह से। ये न्यू दिल्ली का है, ये देखिए यहाँ फ्लैग, इंडियन फ्लैग लग रहा है। और ये पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग स्पेस थोड़ा उस साइड से कम है, उधर ज़्यादा है, क्योंकि वीआईपी पार्किंग भी है और नॉर्मल पार्किंग भी है और फिर मल्टी लेवल पार्किंग भी है, तो ज़्यादा लोग उधर से ही आते हैं। इधर मार्केट है, यहाँ से निकल जाएगा मार्केट की तरफ। तो इधर पहाड़गंज मार्केट जो है ये पूरा आपको होटल्स वगैरह इस रूट में बहुत मिलेंगे। देखिए होटल वो दिख रहा है ऊपर, तो होटल तो आप अपने पसंद कर लेंगे, जैसा आपको पसंद आएगा। रोड पे घूमिएगा, रोड पर पसंद आएगा ले लीजिएगा। हम लोग यहाँ से निकलते हैं मार्केट की तरफ। चले मार्केट, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा भीड़ भाड़। स्टेशन से ठीक बाहर निकलते ये देखिए रेलवे स्टेशन, और हम बाहर रोड पर आ गए। यहाँ वो ढेर सारे खाने पीने के होटल्स मिल जाएंगे और बहुत सारा ठेला भी है। ठेला पे देखते हैं, एक ठेला अभी यहाँ भी नहीं आ रहा है, ठेला पे देखते बहुत सारे स्टे करने के भी होटल और खाने पीने के होटल आपको इधर बहुत ज़्यादा मिलेगा। अजमेरी से गेट साइड उधर कम मिलेगा। ये ठेला है, वो होटल है, आप जिसमें खाना उसमें खा सकते हैं। ये फिश फ्राई खाना है तुम्हें? नहीं। बहुत ही सपना था तुम्हारा। सारे धूल उसके आ रहे हो गए। देखिए कितना ओपन है, एग फ्राई भी रखा हुआ है, जो खाना है खा लीजिए। तो हम लोग चले अपने काम करने के लिए, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। छोटे सा दिल्ली रेस्टेशन टूर दे दिया आप लोगों के लिए, मिलते हैं। हाँ अपडेट वाला, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।